हेलो दोस्तों, नमस्ते, जोहार। आज हम बनाएंगे फूल गोभी के पराठे। मैंने एक बड़ा फूल गोभी यहाँ पे ले ली हूँ, उसे कद्दूकस कर ली हूँ और दो तो आलू को भी मैश करके यहाँ पे रख लिया हूँ। तो चलिए चलते हैं। कढ़ाई में तेल, मैंने 2 चम्मच तेल दे दिए हूँ यहाँ पे, और ये कद्दूकस हुआ गोभी यहाँ पे डाल देंगे। मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल दे दी हूँ। अब हमने कद्दूकस किया हुआ गोभी डाल देंगे, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ताकि इसका कच्चापन चला जाए और इसका जो पानी निकलेगा वो इसमें सूख जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए अभी इसी में हम पिसा हुआ आलू, कद्दूकस किया हुआ वो डाल देंगे। इसे बाइंडिंग अच्छी आती है, मिला लेंगे अच्छी तरह से। अभी इसी के साथ हम इसमें 1 चम्मच मिर्च पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी इसमें डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक। नमक डाल के इसे हम इसे मिलाएंगे अच्छी तरह से। इसमें हम थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें कटा हुआ प्याज और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ बच्चे खाते हैं इसीलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली, आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो चुका है, इसे हम ठंडा करेंगे और रोटी बनाएंगे। हमारा ये ठंडा हो चुका है, हम एक प्लेट में इसे डालेंगे। मैंने आटा गूंथ लिया है, नॉर्मली जैसे आटा गूंथते हैं रोटी के लिए मैंने वैसे ही गूंथा है। इसे छोटे छोटे टुकड़े बॉल आएंगे हम, लूंदी इस साइज का। हम अभी पराठा बनाएंगे। हम एक पेड़ लेंगे लूंदी और इसे बिलेंगे, एक रोटी बनाएंगे पहले। हम ऐसे ही रोटी बेलेंगे, इसे ऐसे बीच में से आधा कट कर लेंगे और हमारा स्टफिंग को इसे इसमें एक साइड रखेंगे। और इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। अभी थोड़ा आटा इसमें लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे।
तवे पे डालेंगे। मैंने तवा गरम कर लिया है और इसे रोटी को पराठे को इसे इसे डालेंगे और इसे धीमी आंच में ही सिकने देंगे। हमारा एक साइड से हो चुका है, हम दूसरे साइड से भी इसे पकाएंगे। अब इसे हम घी या बटर डालेंगे, आप जो चाहे आप घी बटर या तेल में भी इसे कर सकते हैं। खाने में बहुत स्वाद लगता है। देखिए अच्छे से सीख रहा है ये। देखिए ये दोनों साइड से पक चुका है, इसे निकाल के हम एक प्लेट में रख देंगे और मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। इसे पेड़े ले लेंगे और इसे रोटी ले लेंगे। कितना पतला करेंगे रोटी पराठा उतना ही अच्छा होगा। देखिए मैंने इसे बेल लिया है और एक चाकू से इसे काट दूंगी और हमारा स्टफिंग को इसमें डाल दूंगी। ऐसे लगा देंगे और इसे भी ऐसे पलट देंगे। इसमें हम थोड़ा सा आटा डालेंगे। आप ऐसे ही नहीं बेल के भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं ये थोड़ा बेल दे रही हूँ। ये हो गया है, इसे भी हम तवा में पका देंगे। एक साइड से हो चुका है, हम अभी पलट लेंगे और इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। आप तेल का भी इससे बना सकते हैं। अब ये दोनों साइड से हो चुका है, ये पूरी तरह से सिक चुका है। हम ऐसे ही सारे रोटियों को बना लेंगे। अब मैं इसे निकाल दूंगी और ऐसे ही हम सारे रोटियों को बना देंगे। देखिए दोस्तों मैंने सारे पराठे ऐसे बना लिए हूँ। ये देखिए कितना परस्त वाला है, इसे कितना नरम, देखिए और कितना भर के इसका मसाला अंदर है। मैंने सादा वाला भी बनाया है, गोल वाला भी एक आपको दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर तक कैसे है। आप लोग भी ऐसे एक बार बनाइए। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।